सो हे व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। तो यहाँ पर हम एक और शानदार मॉडिफिकेशन लेके आए हैं दोस्तों R15 V4 या फिर M के लिए। तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूँ। ये होने वाला है दोस्तों सैडल कैरियर, जो कि दोस्तों इंस्टॉल होता है आपकी V4 के ऊपर। यहाँ पर आप मार्किंग देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिखेगी R15 M, यानी कि आप V4 और M दोनों पर इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्योंकि जो दोस्तों एनाटमी है वो सेम ही है दोनों ही बाइक्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, मैं वेट करके भी आपको इसका दिखाने वाला हूँ। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर प्लेट होल्डर, वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर है, तो ये भी आप अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। नीचे दोस्तों यहां पर आपके मडगार्ड के ऊपर इंस्टॉल हो जाती है फ्रंट के ऊपर। साथ ही दोस्तों अब मैं आपको यहां पर वेट करके दिखा देता हूं, ताकि आपको पता चल सके जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है दोस्तों। तो यहां पर हम विंग मशीन पे इसको हैंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेट करता हूं इसका जीरो होने का। तो एज यू कैन सी दोस्तों, अभी यहां पर जो विंग मशीन का वेट है वो जीरो है। तो चलिए अब मैं इसको हैंग करता हूं। तो यहां पर आप अब इसका वेट देख सकते हैं। तो यहां पर जो इसका वेट निकल के आता है तकरीबन 400 ग्राम, यानी हाफ के जी के समथिंग आपको यहां पर इसका वेट मिलने वाला है। उसके बाद अब मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूं दोस्तों सैडल कैरियर को। तो यहां पर हम इसको जीरो करते हैं पहले। तो एज यू कैन सी यहां पर हमारे जीरो हो चुका है। अब मैं यहां पर सैडल कैरियर को हैंग करता हूं दोस्तों। तो मैं इसको थोड़ा मिड से हैंग करता हूं, ताकि आपको वेट देखने में आसानी हो। तो यहां पर जो इसका वेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो इसका वेट निकल के आता है दोस्तों तकरीबन 2 kg के समथिंग इसका वेट होने वाला है। तो अप्रोक्स आप बोल सकते हैं दोस्तों 1 kg and 800 grams। तो यहाँ पर ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छी है दोस्तों, काफ़ी स्टडी है। तो अगर आप कहीं टूर करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको जैसा कि पता है V4 या फिर R15 M के अंदर आपको कोई भी ऐसा लगेज कैरियर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप टॉप रैक रखने के बाद ईजिली अपने सामान को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप बंजी रोप वगैरह को भी दोस्तों यहाँ पर हुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लोजअप दिखाने की कोशिश करूँ और फिनिशिंग में दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और काफी दोस्तों प्रीमियम क्वालिटी के साथ आपको ये ऑफर होता है। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर PGX से कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये उनका इंस्टाग्राम हैंडल है। साथ ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक के पास चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कैसे इंस्टॉलेशन होने वाली है। आइए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी V4, तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि नंबर प्लेट होल्डर कैसे इंस्टॉल होने वाला है। सो एज यू कैन सी दोस्तों, यहाँ पर हमारा एज टू एज यहाँ पर माउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और इतना ही बाहर रहने वाला है, तो यहाँ पर हीटिंग इशू नहीं आएगा दोस्तों। पहले जो हमारे जो दोस्त थे उन्होंने दोस्तों यहाँ पर कोई अल्टरनेट करवाते हुए यहाँ पर एडजस्ट करवाया था नंबर प्लेट होल्डर, उसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रैचेज आए हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का इशू नहीं है, क्योंकि वो पहले वाला दोस्तों कुछ इस तरीके से था और यहाँ पर ये थोड़ा आउट रहेगा, तो यहाँ पर बाइक के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल करवा देता हूँ। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँ दोस्तों, ये हमारा लगेज कैरियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये माउंट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लाते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये माउंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप इसको इजीली माउंट और डिमाउंट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ, सीट खोल के यहाँ पर ये माउंट हो जाएगा और आप टॉप बॉक्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहता है अगर दोस्तों आप राइड करने जा रहे हैं यहाँ पे। सो चलिए यहाँ पर मैं सभी को फिक्स करवा देता हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी दोस्तों, मैं यहाँ पर नट्स को टाइट कर रहा हूँ, इजीली टाइट हो रहे हैं बिल्कुल भी दोस्तों, अलाइनमेंट यहाँ पर कोई अलग नहीं है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट प्लग एंड प्ले है। जस्ट आपको नट्स को रिमूव करना है और जस्ट इसको अप्लाई करवा देना है। तो चलिए मैं आपको दोस्तों बाइक भी प्रेस करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि हीटिंग इशू है या नहीं। तो एज यू कैन सी दोस्तों, ये बिल्कुल आगे की तरफ है यहाँ पर। अगर आप दोस्तों आगे की तरफ विंगलेट भी लगा रखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर आप सामने बिल्कुल देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ। तो चलिए अब मैं यहाँ पर सैडल कैरियर को इंस्टॉल करवाता हूँ। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं हमने सीट को ओपन कर दिया। तो ये वाला जो ब्रैकेट है दोस्तों, ये यहाँ पर लगेगा। उसके लिए आपको जो साइड वाला पैनल है दोस्तों, ये निकालना होगा। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जो हमारे कलीगों को कहीं निकलना है, दैट्स वाई थोड़ा वो जल्दी में है। तो हम एक कंप्लीटली आगे चल के मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं भाई कि आप अंदर की तरफ से इसको लेके आएंगे, तो यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा पीछे की तरफ, जो मैंने आपको बताया यहाँ से अटैच हो जाएगा और इजीली आप कैरी कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी सेम माउंटिंग है, अलग से आपको नट से बाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसी पे आप माउंट करके अपनी बाइक को ड्राइव कर सकते हैं। सो ये था मॉडिफिकेशन दोस्तों। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही अगर आप कोई और मॉडिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। सो मिलते हैं कुछ ऐसे ही मॉडिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।